को मंगलवार वह भी सत्संग हुआ और शाम को सुंदरकांड का पाठ हुआ। कल सारा दिन भक्ति में गुजरा, गुरुदेव की ऐसी कृपा रही, भजन कीर्तन महापुरुष पधारे और अपने अपने सद्विचारों से हम लोगों को लाभान्वित किया। और आज भी पूर्णिमा सत्यनारायण की कथा सत्यदेव की कृपा से संपन्न हुई, आज भी संपन्न हुई, अभी प्रसाद बटेगा और शाम को भजन संध्या और उसके पश्चात आश्रम के भविष्य साईं महेशलाल जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। और वैसे तो केक वगैरह की यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है, लेकिन फिर भी अतिथियों की इच्छा हुई तो उन्होंने गाजर का हलवा को केक का रूप दे दिया। चलो ठीक है, खुश रहो। तो सभी समय से पधारें और आनंद लें। अभी तीसरे दिन का यह प्रातःकालीन सत्र गुरुदेव की कृपा से संपन्न हो रहा है। ठीक 12 बजे भंडारा प्रारंभ होगा। प्रयास करते हैं, प्रभु भी अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, जैसे हवाई जहाज छूटने का समय होता है और एक मिनट दो मिनट चलो चलो ठीक है, अहंकार की बात नहीं, पर कोशिश करनी चाहिए हर कार्य समय से संपन्न हो। ठीक 12 बजे भोजन भंडारा शुरू हो जाएगा। सभी पधारे हुए श्रद्धालुओं के लिए माँ गंगा से सतगुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ। सभी पधारे हुए अतिथियों तन मन धन से वे सब प्रसन्न रहें और स्वस्थ रह करके भगवान की भक्ति करते रहें, नाम स्मरण करते रहें। न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, पर रहो दुनिया में ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। ओम शांति शांति शांति।